नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे चैनल प्रियाज वेज किचन एंड ब्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है। तो आज बना रहे हैं डेली के बनने वाली सब्जी से जब कुछ समझ में नहीं आए तो कम तेल मसाले वाली एक ऐसी रेसिपी जो मेरे घर में सभी को बहुत पसंद आता है और विश्वास है कि आप भी बनाएंगे तो आपके यहाँ भी लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो जिसके लिए देखिए मैंने क्या क्या लिया है। 2 बॉयल्ड आलू है, शिमला मिर्च, टमाटर, पत्ता गोभी, गाजर और अदरक का छोटा सा टुकड़ा। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना कि ये सब आलू सबको एक साइड कर देते हैं। सबसे पहले गाजर को काटेंगे। तो इसी प्लेट में मुझे चूंकि ये प्लेट में सुविधा होता है काटने में तो मैं चॉपिंग बोर्ड वगैरह पे नहीं रखी हूँ, मैं इसी में काटती हूँ। तो इसको आप लोग जैसे हो इसको डाइस में थोड़ा छोटे छोटे में चॉप कर लेना है। फाइन, तो इसको काट लेंगे अच्छे से। क्या है ना, ये इसमें मसाला कुछ नहीं जाएगा लेकिन बनने में ये सब्जी उतनी ही टेस्टी लगती है, खाने में बनाना भी आसान है। तो आलू को भी मैंने देखिए ऐसे काट लिया है, गाजर शिमला मिर्च को फाइन चॉप कर लिया है और पत्ता गोभी को लंबे में काट लिया है और झटपट ये बनने वाली सब्जी है। और एक जो टमाटर था ये हरी मिर्च है, इसको बीच से स्लिट कर देंगे। आप लोग मिर्च नहीं खाते हैं तो उसको हटा भी सकते हैं या अपनी इच्छा अनुसार एक दो और ज़्यादा भी दे सकते हैं, मैंने सिर्फ 2 ही दिया है। तो अब एक मिक्सर जार लिए हैं, उसमें जाएगा चुकंदर, ये जिसको बीट बोलते हैं, बीटरूट ये है, इसको ऐसे ही रफली काट के दे दिया है क्योंकि इसका फाइन पेस्ट बनाना है। अदरक को भी इसमें रफली काट के दे देंगे। और क्या है ना, जब डेली के ये टमाटर है ये भी उसमें जाएगा। जब डेली के वही आलू पत्ता गोभी गाजर एक तरीके का सब्जी खाते खाते मन उग जाता है ना, तो आप थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट दे करके इसको एक नया टेस्ट भी देंगे। और क्या होता है कि ये सब्जी नया ट्विस्ट के साथ क्या है ना, ये टेस्टी भी बनता है, देखने में भी अच्छा लगता है। एक सूखी लाल मिर्च, तीखा आप लोग अपने हिसाब से, नहीं खाते हैं तो लाल मिर्च बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, ये बहुत तीखा वाला लाल मिर्च नहीं है। अब इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए फाइन पेस्ट बन गया है, इसका बीट के कारण इसका कलर बहुत ही अच्छा आ रहा है। अब बनाते हैं सब्जी। तो इसके लिए मैंने 1 चम्मच तेल लिया है नॉर्मल चम्मच से। अब बिल्कुल जब धुआं उठने लगा ना तेल में तब गाजर डालेंगे स्मोकी फ्लेवर लाने के लिए। और इसको एकदम हाई फ्लेम पे ही 1 मिनट भूनेंगे। 1 से 2 मिनट इनफ है गाजर के लिए, देखिए कलर चेंज हो गया है 1 मिनट भूनते हुए, एकदम हाई फ्लेम है। इसी में अब शिमला मिर्च, इसको 30 सेकेंड, क्योंकि इसका क्रंची जो टेस्ट भी आएगा और इसका क्रंचीनेस जो रहेगा वो भी बरकरार रहेगा। तो ये भी हो गया। अब इसके साथ ही आलू डाल देंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, फ्लेम मैंने हमेशा हाई ही रखा है कंटिन्यूस, क्योंकि इसका एक स्मोकी फ्लेवर भी लाना है। और देखिए तेल 1 चम्मच ही इनफ है, तेज आंच पे क्या हो जाता है ना, जब आपका फ्लेम तेज रहेगा तो ये कुछ भी सब्जी आप तड़का लगाते हैं ना तो वो तेल जल्दी छोड़ देता है, ज़्यादा सोक नहीं करता, पीता नहीं है सब्जी तेल। अब इसमें पत्ता गोभी डाल दिए, इसको भी चलाएंगे 1 मिनट, 1 से 2 मिनट कि अच्छे से पक जाए, लेकिन गलाना नहीं है पत्ता गोभी को। और ये सब्जी आप रोटी पराठा के साथ दीजिए या आप स्प्रिंग रोल बनाते हैं उसमें भी इसको स्टफ कर सकते हैं, या वेज रोल किसी में भी, या आप पराठा रोटी के साथ सिंपल इसको खा भी सकते हैं। तो इसको अब एक निकाल लिए, हो गया है सब्जी। अब फिर 1 छोटा चम्मच रिफाइंड मैंने लिया है, उसमें 1/4 चम्मच जीरा। ध्यान दी होंगी आप लोग कि उसमें मैंने नमक नहीं डाला, 1/4 चम्मच ही, क्योंकि नमक डालने से ना सब्जी पानी छोड़ देगा, क्योंकि पत्ता गोभी गाजर सब में मॉइस्चर ज़्यादा रहता है तो वो पानी जल्दी छोड़ता। ये भी जब स्मोकी फ्लेवर हो गया तड़के का तब इसमें टमाटर और चुकंदर का पेस्ट जो पीसे थे वो डाल दिए हैं और जार को भी धो करके थोड़ा डाल दिए हैं कि बिल्कुल भी वेस्ट कुछ ना हो। अब इसको थोड़ा भूनेंगे टमाटर के पकने तक।
तो क्या होता है ना, इसमें ऑयल भी छोड़ सक देगा आपका, लेकिन कम ऑयल है तो ना छोड़े तो भी 2 से 3 मिनट में अच्छे से भुना जाता है। चौथाई चम्मच काली मिर्च पाउडर और ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, जिससे कलर और भी अच्छा आएगा। तो आप लाल मिर्च पाउडर आप अपने इच्छानुसार दीजिए या इसको स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा ये कसूरी मेथी है, मसाला अच्छे से भुन गया है टमाटर का पेस्ट। अब इसमें डालेंगे ना ये डार्क सोया सॉस है, 2 चम्मच डालेंगे। तो यही ट्विस्ट की बात मैं कर रही थी, कोई मसाला नहीं। लेकिन क्या ना, बच्चे लोग को आजकल या बहुत लोगों को ये सॉस का फ्लेवर अच्छा लगता है सोया सॉस का। और 1 चम्मच टमाटो केचप ये डाल रहे हैं, टमाटो केचप भी विदाउट अनियन गार्लिक है, बिना लहसुन प्याज वाला। तो मेरे चैनल पे आपको कम तेल मसाले वाले और अभी हरी मिर्च डालेंगे, क्योंकि ये पूरा दिखना भी चाहिए, इसको गलने का नहीं था, गलाना नहीं है। ये काला नमक, चूंकि सॉस में अपना नमक होता है तो आप जितना मैंने नमक लिया है काला नमक उतना ही सफ़ेद नमक भी लेंगे, नॉर्मल नमक। ब्लैक सॉल्ट से टेस्ट अच्छा आता है, डाइजेशन में भी। अब हाई फ्लेम पे करके सारी सब्जियां जो भून के रखे थे उसको डाल देंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे से हाई फ्लेम पे इसको 1 से 2 मिनट एकदम तेज आंच पे भूनना है, कि जिससे सारा जो टमाटर और सोया सबका पेस्ट जो भुना है वो सब में एक साथ हो जाए। देखिए हो गया है, देखने में कितना अच्छा लग रहा है और झटपट सब्जी बनके तैयार भी है। और ये मैंने सर्व करके दिखाया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पे नए हैं, वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी इसी नाम से है। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली